सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कंप्यूटर्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप सभी ने यूज किए होंगे और ऐसे में यार आप सभी जानते हैं कि वो हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद में गर्म और उसके बाद में भैया उनको हमको लगता है कि ये कहां से अंदर निकल रही है आग। अब दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं कि आखिर चीजें गर्म कैसे होती हैं तो इनको लेकर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन यहां पे इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए हम काम में लेते हैं हीट सिंक को। तो आखिर दोस्तों ये हीट सिंक क्या होती है, इसकी हमें कैसे जरूरत पड़ती है और ये आखिर काम कैसे करती है, आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स गर्म कैसे होते हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूं पहले, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि भैया आपके मोबाइल के अंदर जो लगा है प्रोसेसर, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जो लगे हैं दोस्तों कंपोनेंट्स, वो हो जाते हैं एक टाइम के बाद में गर्म। अब वो अगर गर्म हो गए तो हमें उन्हें ठंडा करना पड़ेगा। अब ठंडा करने के लिए हम उनको भैया फ्रिज में तो रख नहीं पाएंगे, तो यहां पे दोस्तों हम काम में लेते हैं हीट सिंक का। और हीट सिंक कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ये होता है सिर्फ एक ऐसा मेटल का टुकड़ा जो उस हीट को बाहर की आसपास दोस्तों एयर है उसमें इजिली डिसिपेट कर सकता है। अब देखिए यहां पे यार मान लीजिए कि कोई लकड़ी गरम है, कोई प्लास्टिक गरम है, तो मतलब जो एकदम गुड कंडक्टर नहीं है दोस्तों हीट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो कैसे उस हीट को अपने आप से बाहर निकाल पाएगा। लेकिन यहां पे दोस्तों आप एक बात तो जानते हैं कि आज अगर कोई मेटल का टुकड़ा गरम है तो वो जितना जल्दी गरम होता है वो उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है, क्योंकि वो जो हीट है वो उसको आसपास की एयर में छोड़ता रहता है और वो खुद जो है वो ठंडा होता रहता है। तो यहां पे दोस्तों हीट सिंक का मतलब एक ऐसा मेटल का टुकड़ा है जो कि अगर आप अटैच कर देते हैं किसी गरम कंपोनेंट के साथ में, तो जब भी वो कंपोनेंट गर्म होगा वो जो टुकड़ा है वो भी गर्म होगा और उसके बाद में दोस्तों वो जो मेटल का पीस है वो उस गर्मी को बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ता रहेगा, जिससे जो एक्चुअल में कंपोनेंट है उसका जो टेंपरेचर है वो धीरे-धीरे कम होता रहेगा या फिर एक तरीके से कंट्रोल भी होता रहेगा। तो यहां पे दोस्तों आपने बेसिक जो देखी है ना हीट सिंक, वो तो होती है सिर्फ एक मेटल की प्लेट। ये आपने अक्सर देखा होगा रैम स्टिक्स के ऊपर जहां पे सिर्फ एक मेटल की प्लेट होती है, और हालांकि ये सभी रैम मॉड्यूल्स के ऊपर नहीं होती है, जो होते हैं हाई परफॉर्मेंस वाले उनके ऊपर आपको ये प्लेट देखने को मिल जाएगी जो बेसिकली उस हीट को बाहर डिसिपेट कर रही है। लेकिन दोस्तों यहां पे आप खुद ही बात जानते हैं कि यार जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से हम हवा में हीट को डिसिपेट कर पाएंगे। तो यहां पे आपने दोस्तों ये वाली हीट सिंक्स तो जरूर देखी होंगी। आप खोल लीजिए भैया यहां पे किसी भी अपने कंप्यूटर को, तो आप खोलते अंदर देखेंगे कि सीपीयू के ऊपर यहां पे ऐसे ना मेटल के वो निकले हैं बुर्ज खलीफा जैसे, और वो दोस्तों जो बहुत ऐसे पिंस है ना वो क्या है, मतलब लगता है ना कि यार ये क्यों बना दिया। और ये दोस्तों ना सिर्फ कंप्यूटर्स में, ये अगर आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोल लेंगे, आप किसी एवीआर को खोल लीजिए, आप किसी अपने रेडियो को खोल लीजिए, आप ऐसे में दोस्तों किसी भी ऐसे चीज को खोलेंगे जहां पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, वहां पे आपको ये वाली हीट सिंक जरूर देखने को मिलेगी। तो यहां पे हुआ क्या, काम तो वही हो रहा है लेकिन यहां पे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। आपने ऐसी जो है वो खड़े कर दिए बहुत सारी चीजें, आप एक बार इमेजिन करो अगर आप उसको अनफोल्ड करोगे तो यहां पे उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। तो ऐसे में जो आपको मिलती है परफॉर्मेंस वो और बेहतर मिलती है। अब यहां पे आपको कई बार दोस्तों ऐसे वो जो है वो प्रॉन्ग से निकले दिखेंगे, कई बार जो है वो आपको ऐसे फिन्स देखने को मिलती है, कई बार कुछ और पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ सबका यही होता है कि हम यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ा दें और वो जो मेटल है वो उस गर्मी को बाहर एनवायरनमेंट में फैलाता रहे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप उसके ऊपर एक पंखा लगा देंगे तो उससे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस है वो और बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की मदद से कहते हैं कि भैया ये जो हवा है इसको मैं बाहर फेंकना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं और हाई एंड चीजों की, तो आप जो है वो इसके अंदर भैया अगर आप लगाते हैं एक वेपर चेंबर जहां पे आप एक तरीके से जो काम होता है एसी का वही काम कर रहे हैं कि आपने एसी लगा दिया जहां पे दोस्तों जो आप गर्म है उसको हवा को बाहर निकाल रहे हैं, जो ठंडी हवा है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो साइकिल अगर चलता रहता है तो उसके अंदर भी आपको मजा आता है और आपका डिवाइस जो थोड़ा सा बेहतर काम करता है। दोस्तों ये जो चीज है ये न सिर्फ कंप्यूटर्स में, ये आपको आपके स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलती है जहां पे अगर आप खोलेंगे तो आपको कभी कुछ, कई बार तो जो फोन की बॉडी होती है अगर मेटल की बॉडी है तो वही एज अ हीट सिंक काम करती है। कई बार दोस्तों आपको अंदर कुछ प्लेट्स मिलती है, कई बार आपको अंदर ऐसे कुछ मेटल पार्ट्स मिलते हैं जिनका काम सिर्फ यही होता है कि वो हीट को डिसिपेट करे। और ऐसे में हमको लगता है कि यार हाई गर्मी मतलब हमारा कंप्यूटर इतना गर्म क्यों हो रहा है, वो पंखा इतनी आवाज क्यों कर रहा है। तो यहां पे दोस्तों कुछ बेसिक टिप्स हैं। पहली बात तो ये कि आप जो है वो अपने डिवाइस को ठंडी जगह पे रखो। अगर आपके पास में घर में एसी है, अगर आपकी खिड़की दरवाजा खोल के काम कर सकते हैं, अगर आप वहां पे पंखा चला सकते हैं, तो आप ऐसे में उसको एक ठंडे माहौल में रखोगे तो वो थोड़ा सा कम गर्म होगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे कभी भी उसको ऐसे कंजेस्टेड फंसा के मत रखो। कई बार हम क्या करते हैं ना, कई बार हमारा बेसिक एग्जांपल होते हैं जो राउटर है अपने घर का, उस राउटर को हम ऐसे
दबा के छुपा के रखते हैं कि मतलब वो यार राउटर दिख ना जाए, और ऐसे में वो इतना गर्म होता रहता है, सिग्नल नहीं आएंगे वो तो अलग बात है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, चाहे आपका कंप्यूटर है चाहे कोई और डिवाइस है, उसको वेंटिलेशन दो, वो जो उसके वेंट्स हैं जहाँ से वो हवा अंदर बाहर कर रहा है उनको भैया आने दो वहाँ पे कुछ हवा, ताकि वो ठीक तरीके से काम कर पाए। और इसके अलावा दोस्तों कभी भी दो कॉम्पोनेंट्स, मतलब कई बार हम क्या करते हैं ना, सीडी प्लेयर के ऊपर या फिर सीडी प्लेयर के ऊपर एक्सबॉक्स के ऊपर कुछ और, तो यहाँ पे हम कई बार स्टैक कर देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जो गर्मी है वो वहीं का वहीं अंदर घूम के रह जाती है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो हीट है वो आराम से डिसिपेट हो रही है, आपके डिवाइसेस जो थोड़े से कम गर्म हो रहे हैं, और अगर वो कम गर्म होंगे तो यहाँ पे उनकी लाइफ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, उनकी लाइफ अच्छी होगी, उनकी परफॉर्मेंस स्मूथ होगी, और ऐसे में आपको आपके पैसे की पूरी वैल्यू मिलेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये हीट सिंक क्या होती है। देख तो लिया, समझ भी लिया, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।